Hello everybody, hope you're doing great and this session is very important for your learning and reading session. तो देखिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरी रीडिंग के ऊपर. तो ये जो वीडियो है ये आपका बेस्ट है स्टोरी रीडिंग पर. तो जैसे ही आप स्टोरी रीडिंग करते हैं तो इससे आप लोगों का रीडिंग कंपैरिजन बढ़ता है और आप लोग बहुत अच्छे से रीडिंग कर पाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपकी रीडिंग, क्योंकि अगर आप अच्छी रीडिंग करते हैं तो आप एक अच्छी स्पीकिंग भी कर सकते हैं. सो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखिए ये जो स्टोरी है हमारी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. और यहाँ पे जो भी स्टोरी होती है मेरे डियर फ्रेंड्स, पहले तो ये बात आप लोग नोट डाउन कर लो कि जितने भी स्टोरीज होती हैं वो सारी की सारी पास्ट इंडेफिनिट में बनती है. किसमें बनती है? पास्ट इंडेफिनिट में. और ज्यादातर जो ग्रामर यूज होता है स्टोरीज में वो सारे का सारा पास्ट ग्रामर यूज होता है. तो ये बात तो दिमाग में बैठा लीजिए कि सारी की सारी स्टोरीज पास्ट में बनाई जाएंगी. तो ये जो हमारी स्टोरी है ये है अ फार्मर एंड हिज सन्स. ओके, देखिए स्टोरी का नाम क्या है, अ फार्मर एंड हिज सन्स. ओके, एक किसान और उसके बेटे. ठीक, देखिए अ फार्मर हैड फाइव सन्स. ये जो सेंटेंस है आप लोग देख पा रहे होंगे अ फार्मर हैड, तो ये जो सेंटेंस है वर्ब टू हैव का है, क्योंकि यहाँ पे हेड आ रहा है और उसके बाद में आपका फाइव सन्स आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है. तो ये क्या है, वर्ब टू हैव का, जिसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के पास कुछ होना या फिर कहीं होना. ठीक है, देखिए अ फार्मर हैड फाइव सन्स, फार्मर के पांच बेटे थे. पास्ट की बात है तो थे हो जाएगा. ठीक, दे वर स्ट्रांग, वे कैसे थे, स्ट्रांग थे एंड हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्क करने वाले थे. वर्क का यूज किया गया तो ये आपका वर्ब ऑफ टू बी का सेंटेंस है, बट यहां पे कंजंक्शन यूज किया गया जिसका मतलब होता है किंतु. दे ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, क्या होता है आपका हमेशा. क्वारल्ड विथ वन अनोदर, वन अनोदर का मतलब होता है एक दूसरे से, क्या होता है एक दूसरे से. राइट, आप इसको वन अनदर की बजाय ये भी समझ सकते हो इच अदर. ठीक है, बट दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर. क्वारल्ड मतलब होता है झगड़ा करना, क्या होता है झगड़ा करना. ठीक है, झगड़ा करना, तो वह एक दूसरे से क्या किया करते थे, हमेशा झगड़ा किया करते थे. समटाइम्स, कुछ समय. दे इवन फॉट, और वे कभी कभी क्या करते थे, झगड़े के साथ साथ, इवन मतलब होता है भी. ठीक है, वो क्या करते थे, फाइट भी क्या करते थे, फाइट का सेकंड फॉर्म आया फॉट. ओके, वे फाइट भी किया करते थे. द फार्मर वॉन्टेड, द फार्मर वॉन्टेड. ओके, किसान चाहता था, वॉन्टेड का मतलब क्या होता है, चाहता था. हिज सन्स, उसके बेटे, टू स्टॉप क्वारलिंग. ठीक है, उसके बेटे जो है वो क्वारलिंग और फाइटिंग क्या कर दे, बंद कर दे. ही वॉन्टेड देम टू लिव इन पीस, वह चाहता था, देम है यहाँ पे, जो देम आया ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है. ठीक है, टू लिव इन पीस, पीस मतलब होता है शांत, क्या होता है शांत. ओके, वो चाहता था कि उसके बेटे बहुत ही शांतिपूर्वक रहे. प्लान वर्ड्स, ओके, प्लान वर्ड्स ऑफ एडवाइस. ओके, बहुत सारे उन्होंने प्लान किया, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोले. और स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, क्या होता है डांटना. ओके, उन्होंने उनको क्या किया, बहुत ज्यादा डांटा, एडवाइस किया. Did not have much effect on this young people, but उन लड़कों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, किसका, डांटने का और एडवाइस करने का. मच इफेक्ट यानी कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा. ठीक है, ऑन दिस यंग बॉयज, यहाँ पर जो दिस है उसकी प्लूरल फॉर्म यूज की गई है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉयज है या फिर जो उसके बेटे हैं वो पांच हैं और फाइव इज अनकाउंटेबल. ठीक है, देखो अनकाउंटेबल नो, इट मीन्स कि वो आपका प्लूरल है. ठीक है, द फार्मर ऑलवेज थॉट. ओके, जो पिता था वो, यहाँ पे जो थिंक है, थिंक की सेकंड फॉर्म आई आपका थॉट, तो थिंक की सेकंड फॉर्म होगी थॉट, तो थॉट मतलब होगा सोचा. ठीक है, फार्मर ने हमेशा सोचा व्हाट टू डू टू कीप. ओके, वो क्या ऐसा करे कि उसके बेटे यूनिटी में रहे, हिज सन्स यूनाइटेड, उसके बेटे यूनाइटेड में रहे यानी कि यूनिटी में रहे, एकजुट रहे. What to do to keep? ओके, वो ऐसा क्या करे कि उसके बेटे keep मतलब होता है रहना. ठीक है, एक साथ. ठीक, तो keep to his son united. ठीक है, उसके बेटे एक साथ यूनिटी में रहे. One day, एक दिन, he found an answer to the problem. Found, देखो यहाँ पे जो find है, find मतलब होता है मिलना या फिर खोजना. ठीक है, he found an answer, उसको answer मिल गया to the problem, किसका, problem का. So का मतलब होता है तो यहाँ पर. ठीक है, he called. कॉल्ड मतलब क्या होता है, देखो एक काल मतलब होता है पुकारना और दूसरे काल मतलब होता है फोन कॉल. तो यहाँ पे जो कॉल्ड का यूज किया गया वो है पुकारना. ठीक है, तो ही कॉल्ड, तो कॉल की यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म यूज की गई है, उसने बुलाया.
ऑल हिज सन्स टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है एक साथ, क्या होता है एक साथ, उन्होंने उसके सारे बेटों को एक साथ बुलाया। ही सॉड, उसने सो किया। देखो सो की सेकेंड फॉर्म, मैंने आपको बताया ना कि सारी की सारी स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट बनती है, और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट देन वी टू देन ऑब्जेक्ट, यही होता है। देखो ही सॉड देम अ बंडल ऑफ स्टिक, उन्होंने उसके सामने उनके सामने एक बंडल ऑफ स्टिक यानी कि स्टिक्स का एक बंडल सो किया, यानी लकड़ियों का एक बंडल सो किया। एंड सेड, देखो से की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है सेड, ठीक है। और उन्होंने कहा आई वॉन्ट एनी ऑफ यू, मैं चाहता हूं एनी ऑफ यू, तुम में से कोई एक, ठीक है, टू ब्रेक दिस स्टिक, कि तुम में से कोई एक इस स्टिक को तोड़ दो, विदाउट सेपरेटिंग देम, इन बंडल्स ऑफ स्टिक को बिना सेपरेट किए यानी कि बिना अलग किए तुम तोड़ दो, फ्रॉम द बंडल, बंडल से, ठीक है। ऐसा कौन कह रहा है, ये कह रहा है फार्मर, ठीक है। इच ऑफ द फाइव सन्स ट्राइड वन बाय वन, अब देखो ये जो सेंटेंस आ रहा है विच ऑफ द फाइव सन्स, ओके, इच यानी कि प्रत्येक, ऑफ द फाइव सन्स, सभी पांचों बेटों ने एक एक करके, वन बाय वन एक एक करके, ट्राइड, ट्राई की सेकेंड फॉर्म क्या है, ट्राइड, ओके, ट्राई किया, दे यूज्ड देयर फुल स्ट्रेंथ एंड स्किल्स, ओके, दे यूज्ड, उन्होंने यूज्ड किया देयर फुल स्ट्रेंथ एंड स्किल्स, उनकी सारी स्ट्रेंथ और स्किल्स को, बट किंतु नन ऑफ देम, नन ऑफ देम का मतलब होगा उनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, कुड ब्रेक द स्टिक, उनमें से कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया स्टिक को। देखो यहाँ पे आया कुड, तो कुड का हिंदी में मतलब क्या होता है, सका, सकी, सके, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी ब्रेक ऑफ द स्टिक, स्टिक को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, या नहीं कर सका। देन फिर द ओल्ड मैन सेपरेटेड द स्टिक्स, और फिर ओल्ड मैन ने क्या किया, सेपरेट कर दिया स्टिक्स को, एंड गिव इच ऑफ देम, देखो यहां पे आया था नन ऑफ देम और यहां पे आ रहा है इच ऑफ देम, यानी कि सभी को दिया, ठीक है। देखो द ओल्ड मैन सेपरेटेड, उन्होंने सेपरेट कर दिया द स्टिक्स, एंड गेव इच ऑफ देम, और सभी को दिया जस्ट अ सिंगल स्टिक टू ब्रेक, ओके, और जस्ट सिंगल स्टिक टू ब्रेक, सिंगल स्टिक दिया किसके लिए, ब्रेक करने के लिए। यहां पर जो टू आ रहा है ना, ये बताता है के लिए, देखो आप दो यूज करते हो, एक करते हो फोर, फोर के बाद में वी फोर करते हो, इसका भी मतलब होता है के लिए, और आप करते हो टू और इसके बाद में लगाते हो वी वन, तो ये भी होता है आपका के लिए, ठीक है। दे ब्रोक द स्टिक इजिली, जब उन्होंने सेपरेट कर दिया तो उन्होंने स्टिक को इजिली तोड़ दिया, ब्रोक, ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है ब्रोक, तोड़ दिया, ठीक है। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा अ सिंगल स्टिक बाय इटसेल्फ इज वीक, ओके, एक अकेली लकड़ी स्वयं में क्या है, कमजोर है, इट इज स्ट्रॉन्ग एज लॉन्ग एज, देखो एज लॉन्ग एज यहां पे जो है ये कंजंक्शन यूज किया गया है और इसका मतलब होता है जब तक, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्ग एज लॉन्ग एज इट इज ट्राइड अप इन अ बंडल, जब वो बंडल में होती है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और वो अकेली है तो वीक है। लाइक वाइज, इसी तरह यू विल बी स्ट्रॉन्ग, तुम स्ट्रॉन्ग होंगे, विल बी का यूज किया वर्ब अप टू बी, ठीक है, और फ्यूचर केस है उसका, तुम स्ट्रांग होंगे इफ यू आर यूनाइटेड, ओके, जब तुम यूनिटी में होंगे, ओके, यू विल बी वीक, तुम वीक होंगे कब, इफ यू आर डिवाइडेड, जब तुम डिवाइड होंगे तो तुम कैसे होंगे, वीक होंगे, और अगर तुम यूनिटी में होंगे तो क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। सो देखो आप लोगों को अगर मोरल ऑफ द स्टोरी बात करें तो यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, ओके, यूनिटी से हम लोग क्या होते हैं, स्टैंड यानी खड़े होते हैं, और डिवाइडेशन से क्या होते हैं, फॉल होते हैं, गिर जाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकल के आता है कि यूनिटी इज द बेस्ट पावर, ठीक है, यूनिटी क्या है, सबसे अच्छी ताकत है, ठीक है। तो अब एक बार जल्दी से रैपिड फायर स्टोरी के पढ़ते हैं। अ फार्मर हैड फाइव सन्स, ओके, अ फार्मर हैड फाइव सन्स, फार्मर के कैसे थे, पांच बेटे थे, दे वर स्ट्रांग एंड हार्ड वर्किंग, वो क्या थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग और हार्ड वर्किंग थे, बट दे ऑलवेज क्रॉल्ड विथ वन अनोदर, वो एक दूसरे से क्या करते थे, झगड़ा करते थे, समटाइम्स दे इवन फॉट, और वो लड़ाई भी करते थे। द फार्मर वॉन्टेड हिज सन्स टू स्टॉप क्वारलिंग, ठीक है, वो चाहता था किसान की उसके बेटे झगड़ा और फाइटिंग क्या कर दे, बंद कर दे। ही वॉन्टेड देम ऑन लिव इन पीस, और वो शांति के साथ रहते रहे, ठीक है। प्लान वर्ड्स ऑफ एडवाइस एंड स्कॉल्डिंग डिड नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन दिस यंग पीपल, उन लड़कों पर ज्यादा बड़े वर्ड्स का और डांटने का कोई भी भारी प्रभाव नहीं पड़ा। द फार्मर ऑलवेज थॉट वॉन्ट टू डू टू कीप हिज सन्स यूनाइटेड, फार्मर हमेशा सोचता था कि ऐसा वो क्या करे कि उसके बेटे यूनिटी में रहे।
वन डे ही फाउंड एन आंसर टू द प्रॉब्लम, उनको एक दिन इस प्रॉब्लम का आंसर मिल गया। सो ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स टूगेदर, उन्होंने सारे बेटे को एक साथ बुलाया। ही सॉर्ट देम अ बंडल ऑफ स्टिक एंड सैड आई वॉन्ट एनी ऑफ यू ब्रेक दिस स्टिक विदाउट सेपरेटिंग देम फ्रॉम द बंडल, और उन्होंने उनके सामने एक बंडल ऑफ स्टिक शो किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस बंडल ऑफ स्टिक को तोड़ो बिना किसी स्टिक को सेपरेट किए। Each of the five sons tried one by one, सभी पांचों बेटों ने one by one करके क्या किया, प्रयास किया। They used to their full strength and weakness skills, उन्होंने सारी उनकी skills और strength का use किया। But none of them could break the sticks, but उनमें से कोई भी उस stick को तोड़ नहीं पाया। Then the old man separated the stick and gave each other, okay? फिर बाद में उन्होंने उस बूढ़े आदमी ने उस स्टिक को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, यानी कि अलग अलग कर दिया, और गिव इच ऑफ देम, और उन सभी को दे दिया जस्ट अ सिंगल स्टिक टू ब्रेक, सिंगल स्टिक को ब्रेक करने के लिए। दे ब्रोक द स्टिक इजीली, उन्होंने कैसा किया, बहुत इजीली उस स्टिक को तोड़ दिया। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा अ सिंगल स्टिक बाय इटसेल्फ इज वीक एंड इट इज स्ट्रांग एज लॉन्ग एज टाइड अप इन अ बंडल, ओके, सिंगल स्टिक खुद में कमजोर है और अगर वही जब तक वो बंडल में थी तो वो क्या थी, मजबूत थी। लाइकवाइज यू विल बी स्ट्रांग इफ यू आर यूनाइटेड, यू विल बी वीक इफ यू आर डिवाइडेड, इसी तरह तुम स्ट्रांग होंगे यदि तुम यूनाइटेड में रहोगे और अगर तुम वीक होंगे जब तुम डिवाइड होंगे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेशन वी फॉल, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पूरी की पूरी समझ आई होगी और स्टोरी में आप लोगों ने पास्ट टेंस को बहुत अच्छे से यूज करना सीखा होगा और स्टोरी बनाने में आप लोग सक्सेस रहे होंगे। तो ऐसे ही हम लोगों का रीडिंग होता है, रीडिंग में भी सारे ऐसे ही कॉन्सेप्ट होते हैं, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आपका वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, मॉडल, आपके टेंसेस, ये सब आपके यूज होते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इसी तरह से हम लोगों को भी यूनिटी में रहना है तो यूनिटी में रहने के लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।